स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं शुभ हमारा। दोस्तों कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि सऊदी अरब के रेगिस्तानों में बारिश होगी, वहां पर हरियाली आएगी जो कि सही होती नजर आ रही है। पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे होंगे कि सऊदी अरब के अंदर इतनी बारिश हो रही है कि वहां पर बाढ़ आ रही है। दोस्तों दुबई के अंदर भी इतनी बारिश हुई कि वहां पर जो सड़कों पर खड़ी गाड़ियां थी वो ऐसे बहने लगी मानो कोई कागज का टुकड़ा पानी में बह रहा हो। सोशल मीडिया पर लोग इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी लिख रहे हैं कि जो गजा के अंदर फिलिस्तीन के अंदर छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, उनका नरसंहार हुआ, इसके बाद मुस्लिम देशों ने उनको कुछ भी नहीं कहा, इसराइल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इसका अल्लाह ताला अब उनसे बदला ले रहे हैं, उन पर कहर नाजिल कर रहे हैं। अल्लाह का अजाब दुबई के अंदर आया, सऊदी अरब के अंदर आया। इस टैग के साथ, इन दावों के साथ लोग वीडियोस को शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। दुबई के वो वायरल वीडियोस काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं जब वहां पर बाढ़ आई और गाड़ियां यहां से वहां बहने लगी। दोस्तों सऊदी अरब में तो पहले बारिश नहीं होती थी, लेकिन अब वहां पर बारिश क्यों हो रही है आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिए। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सऊदी अरब ने अब एक मेथड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो मेथड का नाम है क्लाउड सीडिंग मेथड। इस मेथड के जरिए से बादलों के अंदर से बारिश बरसाई जाती है। इस मेथड को ईजाद किया गया था अमेरिका के एक वैज्ञानिक के द्वारा 1946 के अंदर। पहले इस मेथड के जरिए से बादलों के ऊपर हवाई जहाज के जरिए से ड्राई आइस के छिड़काव करने के बाद बारिश होती थी, लेकिन ये काफी कॉस्टली पड़ रहा था, काफी ज्यादा महंगा होता था ये बारिश, क्योंकि ड्राई आइस को ऊपर ले जाना, फिर वहां पर हवाई जहाज के जरिए से बादलों पर उसका छिड़काव करना, इसके बाद बारिश नीचे होती थी, तो काफी ज्यादा महंगा ये प्रोसेस हो रहा था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि थोड़ा कम बजट में इसे किया जाए। इसके बाद ड्राई आइस की जगह पर सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया गया और जमीन से ही सोडियम आयोडाइड को रॉकेट के जरिए से बादलों के अंदर भेजा जाता था, फिर सोडियम आयोडाइड वहां पर फट जाता था और बारिश होने लगती थी। दोस्तों अब सऊदी अरब ने एक ऐसा मेथड इस्तेमाल किया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि अब जमीन से वो बादलों में एक रॉकेट भेज रहा है और वहां पर एक अलग तरीके का शॉक, एक अलग तरीके का करंट बादलों को देकर बारिश वहां पर बरसाई जा रही है। जो साइंस पढ़े हुए होंगे उनको पता ही होगा कि बादल किस तरीके से बनते हैं। पानी का भाप जब ऊपर जाती है तो बादल बनते हैं और फिर वक्त आने पर बरसते हैं, लेकिन जब कुदरत को दोस्तों छेड़छाड़ कुदरत के साथ की जाए तो दोस्तों कुदरत भी अपना इंतकाम लेती है। दुबई ने वक्त से पहले बादलों को बरसाने की कोशिश की और तीनों भी मेथड, जो तीन मेथड है, पहले ड्राई आइस का इस्तेमाल करके बादलों से बारिश बरसाई जाती थी, फिर उसके बाद सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल करके बादलों से बारिश की जाती थी, और फिर जो तीसरा, खुद सऊदी अरब ने जो तरीका अपनाया है कि बादलों को एक अलग तरीके का करंट देकर उनसे बारिश बरसाई जाती है। इन तीनों मेथड का इस्तेमाल सऊदी अरब ने किया और वहां पर बादलों से बारिश बरसाई। वो बारिश इतनी हुई, इतनी बारिश वहां पर हुई दोस्तों, इतनी ज्यादा मात्रा में वहां पर बारिश हुई कि वहां पर जो सड़कें थी, जो पुल थे, वो पूरी तरीके से ढह गए, पूरी तरीके से डूब गए। जो कारें सड़कों पर खड़ी हुई थी वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे बहने लगी मानो कोई कागज का टुकड़ा पानी में बहते हुए चला जाता है। जब कुदरत के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो कुदरत भी अपना इंतकाम लेती है। इस मेथड का इस्तेमाल दोस्तों चाइना ने सबसे ज्यादा किया अपने देश के अंदर। इंडिया के अंदर भी दोस्तों बहुत जगह पर इस मेथड का इस्तेमाल किया गया, वक्त से पहले बारिश बरसाई गई। ये क्लाउड सीडिंग मेथड जो है वहीं पर काम करता है जहां पर पहले से बादल मौजूद होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अब तक के बादल बनाने में पूरी तरीके से विफल हुए हैं, नाकाम हुए हैं। बादल सिर्फ अल्लाह ताला ही बनाते हैं, जहां पर बादल होंगे वहीं पर बारिश होगी। जो लोग इसे साइंस का बहुत बड़ा चमत्कार समझते हैं, ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो तब होता जब वैज्ञानिक खुद के बादल बनाते हैं और उन बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बरसाते। ये मेथड सिर्फ वहीं पर काम करता है जहां पर पहले से बादल मौजूद हो। दोस्तों आप सभी की इसके बारे में क्या राय है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं आज की इस वीडियो में। बस इतना।